हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। ये जो वीडियो है ये है रामेश्वरम टाउन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा पूरे रामेश्वरम टाउन की एक बढ़िया सी सैर कराऊंगा और साथ साथ मैं बताऊंगा कि इस टाउन में क्या क्या है, क्या कहाँ आप रुक सकते हैं, कहाँ खाने की चीज़ें हैं और कैसा माहौल है। चलो, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है तो देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर इट, कैसा है कैसा नहीं है। तो ये है एक लॉज, यहाँ पे बहुत सारे लॉजेस आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ में इन दरअसल आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉजेस ही मिलेंगे, होटल्स भी मिल जाएंगे और बहुत सारी आपको जिसको हिंदी में बोलते हैं धर्मशाला वो भी मिल जाएंगी। आप 100, 150 या 200 रुपए दे के पर पर्सन के हिसाब से वहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं, स्टे कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं। और ये देखिए जो तमिलनाडु का साउथ इंडिया का फेमस नारियल पानी, देख सकते हैं आप, एंजॉय कीजिए ऐसे वो दे रहा है। कितने कितने का माता जी? अच्छा, ये दुकान वाला भाई साहब कितने का दे रहे हो? ये शंख कितने का दे रहे हो? 120। यो बजे भी है कि ना? बजाड़ होना भाई माता। एक मेन चौक आ गया आगे, अच्छा चौक है, तो रास्ते काफी खुले हैं। और टाइम इस वक्त हो रहा है सुबह का लगभग 8:30। ये शंख सीपी की बनी हुई एक डेकोरेशन की दुकान है कि यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एक होटल और खाने पीने के लिए, चाय के लिए, सुपर ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे हैं। ये भी सामने एक दुकान है, यहाँ पे इडली सांभर डोसा जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो ब्लैक ड्रेसेस में आपको दिख रहे हैं ये कुछ ग्रुप्स में लोग आते हैं, इनका ड्रेसअप एक ही जैसा होता है। और जैसे अभी आए हैं इसके बाद जाएंगे तिरुपति या फिर अय्यप्पा टेम्पल जो केरला में है या फिर कहीं और, ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं ये और इसीलिए एक सी ड्रेस पहनते हैं। ये भी ये जो हार पहने लोग ये भी इस तरह से ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं, ग्रुप्स में यात्रा करते हैं। यहाँ से धनुषकोड़ी है 25 किलोमीटर की दूरी पर। कितने का भाई? बस रे, ये एक छोटा सा ठेला वाडा वाडा यहाँ पे मिल रहा है वाडा। ये भी एक गोपुरम, टेम्परेचर यहाँ पे इस वक्त होगा लगभग 20 से 25 डिग्री के सेल्सियस के बीच में। और तारीख है 4 जनवरी 2019। ये ईस्ट टावर एंट्रेंस, यहाँ से भी हम मंदिर के अंदर जा सकते हैं दर्शनों के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ आपको मिलेगी, हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, चाहे आप कभी भी आएंगे रामेश्वरम में आपको हिंदुस्तान के हर कोने से आपको लोग मिल जाएंगे। एक फूल और प्रसाद की दुकान, केले फूल और एक पूजा के लिए ही जो सामग्री, तांबे के बर्तन और कुछ जोत जलाने के लिए कुछ आइटम्स। Next time we will keep to remember, okay? यहाँ पे एक वेटिंग शेड, इस वेटिंग शेड से हम कहीं के लिए भी बस ले सकते हैं धनुषकोड़ी के लिए या और भी यहाँ आस पड़ोस के जगह के लिए, जो भी यहाँ पे आस पड़ोस की जगह रहती होगी। ये एक चाचा जी पढ़ा रहे हैं एफ और एप्पल। और एक तमिलनाडु पुलिस की बस व्हाइट इन कलर, ये भी जो रेड ड्रेसेस में जो औरतें दिख रही हैं ये भी उसी ग्रुप का पार्ट है, ये ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं, ग्रुप्स में दर्शन करते हैं ये लोग। और यहीं पे शायद मार्केट ख़त्म होने वाली है,
तो मोस्टली हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ज़्यादा प्रसाद की दुकानें हैं, होटल्स हैं, लॉजेज हैं, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं तमिलनाडु के, साउथ इंडिया के जितने भी लोग हैं मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आप कुछ भी पूछिए आपको पक्का बताएंगे, आपको छोड़ तक जाएंगे। और ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो धनुष कोड़ी के बारे में।